राधे राधे, मैं हूं निशा और मेरे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आशा करते हूं आप बिल्कुल ठीक होंगे और मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे और बहुत ही ज़्यादा व्यस्त भी होंगे। तो भैया आज सुबह से फिर ब्लॉगिंग नहीं हो पाई, तो अभी टाइम हो गया है, शाम के 3 बज गया है, तो मैं अपना ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रही हूँ। तो आज कोई स्पेशल इंसान आया है हमारे घर पर, बहुत दिनों के बाद उनसे मिलवाती हूँ मैं आपको। ये 6 महीने से था गायब, 6 महीने से था। अरे 1-2 महीने होंगे, हमें सोच लगा कि 6 महीने होंगे, तो पता नहीं, ये अभी इस गाड़ी में बहुत शांति थी, ये चली नहीं थी 3-4 महीने से, बेचारी बीमार थी। तो ये आ गया है तो समझ लो गाड़ी का कहा होगा, कोई पता नहीं है। तो ये जा रहा, कहाँ जा रहा भाई? चिकन लेने चिकन मीन्स मुर्गा लेने, क्योंकि ये आया है तो उसकी खातिरदारी करनी पड़ेगी। ये एक दिन के लिए आया है तो मम्मी ने मंगाया है इनके लिए चिकन, तो ये खुद जा रहा है लेने के लिए। तो बच्चों नहीं जा रही है, तो ये जा रहा है भैया अभी चिकन लेने, क्योंकि कल चले जाएगा इसका एग्जाम बरेली में। तो ये चिकन खा आया है दीदी के यहाँ से, तो दीदी ने भेजा है बच्चों के लिए कुछ खाने को मेरठ से। तो देखते हैं बच्चों क्या है इसमें, खोल दो फिर। ओ माय गॉड, ये क्या सब तो गिरा दिया तूने भाई, दिखा तो क्या है इसमें, इधर तो दिखा। बच्चों की बड़ी मौसी ने भेजे है, ये क्या बोलते हैं अम्मी इसे, क्या है ये? मुझे इसका नाम थोड़ा आ नहीं रहा है, क्या बोलते हैं, बोल बोल का चॉकलेट से मिला के खाते हैं। तो फिर बड़ी मौसी को थैंक यू तो बोलो भाई, तो मौसी को थैंक यू बोलो, चलो थैंक यू। तो मौसी जी को थैंक यू कौन बोलेगा? थैंक यू। अच्छा से बोलो भैया, थैंक यू मौसी जी, थैंक यू मौसी जी, ये भेजने के लिए, ये भेजने के लिए। हाँ तो दक्षू के लिए भेजा है उसकी बड़ी मौसी ने, मुझे इसका नाम ही नहीं आ रहा, पता नहीं क्या बोलते हैं इससे, अभी क्या बोलते हैं से हैं, पता नहीं इनका नाम हमको नहीं आ रहा है, ये पता नहीं आ रहा है, अंदर अंदर आ रहा है, बाहर नहीं आ रहा है, ये पता नहीं बोलते होंगे क्या हमें क्या। हाँ मम्मी कह रही है बादाम है, जो बादाम है, बादाम है, नहीं ये बादाम नहीं है। अब दादी से पूछते हैं ये क्या है, तभी तो पता चलेगा। दादी ये भेजे कहाँ है, मुझे कहाँ दो, हमारी दादी को भी नहीं आता, दादी दादी को भी नहीं पता ये क्या है। चाची जी क्या है, इनसे जिन क्या कहते हैं, अरे ये पता नहीं है क्या, मुझे समीक्षा ये क्या है यार, क्या है ये, इसके नाम मुझे आ नहीं रहा है। मम्मी कह रही है बादाम है, क्या दादी ना है बादाम, कमल के फूला, अरे यार। तो इसका नाम अभी बताओ, पास से दिखाती हूँ, दिखा दो आप बताओ इसका नाम है, कैसे बोलते क्या है, कमेंट में बताना ये क्या है। दादी कह रही है कमल का फूल है, अम्मी कह रही है बादाम है, चाची कह रही है पता नहीं कहाँ के फूल है, पता नहीं कहाँ तो कहाँ है, और किसी से पूछने क्या है। तो मैं आ गई हूँ किसी और के पास पूछने की, ये क्या है अभिला सा जी कहाँ है, ये मैंने 5-6 लोगों से पूछ लिया, किसी को इसका नाम नहीं पता है, ये और बच्चे से पूछ लूँ क्या कहते हैं, नहीं इसका नाम कुछ था, अरे हमको अंदर अंदर आ रहा है, बच्चों की बड़ी मौसी ने भेजा है, लेकिन क्या भेजा है हम कैसे बताएं इनको, ये क्या भेजा है, रुको ना एक मिनट, मुझे याद था ये, तो बता यार अंदर अंदर आ रहा है इसका नाम, चाची मम्मी दादी सबसे पूछ लिया है, लेकिन किसी को नहीं पता क्या है, ये कह रही है अंदर अंदर आ रहा है, मुझे भी अंदर अंदर आ रहा है, रुको नहीं पता, नहीं पता याद करके बताऊंगी। तो हम ऑफिस दस का कहते हैं मुनक्का, मुनक्का तो लाल मखानी, मखानी हाँ मुनक्का तो राइट राइट होता है, मखानी सोच लिया, मखा शायद इसके नाम मखाने, शायद मखाने बोलते हैं, मखानी बोलते हैं कैसे, मुझे पता, तो हम एक दो लोगों से और कंफर्म करते हैं कि ये क्या है, क्या आपका मखानी हो सकता है, तो आप ही बताना और हम किसी और से पूछते हैं, नहीं मेरे ख्याल से तो शायद मखानी बोलते हैं, ठीक है आप पूछ लो, इससे क्या बोलते हैं, खाना नहीं है वो बताने हैं, नाम बता, हमारे दादाजी बताएंगे इसका नाम, अरे बताओ क्या मैं बताऊँ, दादी दे बता सबसे पूछ रहा हूँ, नाम ना आ रहा हूँ जी, मखाना बेका कहना है, अरे मखाना मेरी मम्मी कह रही बादाम है, मेरी दादी कह रही कमल के फूल है, एक कह रही मुनक्का है, लेकिन मोए समझ में ना आ रहा, नाम है का नादी वासन जय जय मुनक्का बादाम, मुनक्का तो लाल होता है यार, तू नहीं समझा तू नाती, हां तो कह रहा तू जा, कुछ मखाने बना बना इसमें बना छोड़े समझा तू, अच्छा तो शायद इसका नाम है मखाने, मतलब कि 2-3 लोग बोल रहे हैं मखाने, और 2 लोग बोल रहे हैं कि कमल का फूल भी, कमल के फूल ही बोलते हैं, हाँ तो सर मखाने ही होंगे, तो दच्छू की मौसी ने भेजा है मखाने, और इतने लोगों के बाद पता चल पाया है इसका नाम मखाने है, टेस्टी भी लग रहा है, तो दच्छू के लिए आया था, और रोटी आ गई 5 रुपये की, फ्रूटी फ्रूटी ना आया था, लो 5 की 10 की आ गई, तो कौन सुनाने बड़े 5 रुपये, तो दादी हमारी बहुत कंजूस, 5 रुपये की एक फ्रूटी नहीं पिला सकती है, कह रही है 1 रुपया वाला बर्फ लाना है, इसे है दादी पास, लेकिन ये कंजूस भावता है, तुम्हें है कंजूसी
अच्छा दादी के दवा जी ने 500 रुपए दे गए थे, उनमें से ये हमें 5 रुपए की फ्रूटी नहीं पिला सकती है। तुम पिला रहे कि मैं पिला रही हूँ? हम कैसे पिलाएंगे, हम गरीब आदमी हैं। गरीब है दादी, बहुत पैसा है दादी पास। एक पैसा ना है, तांग तांग मर जाए। एक पैसा नहीं है तो ज्यादा पैसा होगा। दादी का खरी दादी मंगा लिए पेप्सी, और मेरे लिए भी एक और अपने लिए भी एक। कितने रुपए की बच्चू? 10 रुपए की। 10 रुपए की है ये, इतनी छोटी? 5 रुपए की ना, 1 रुपए की एक। 1 2 3 4 दादी खा रही है सेम, चाची ने हाथ बनाए हैं सेम, भैया देख रहे हो इतने सारे सेम बना दिए चाची ने, और तल रही है सेम, टेस्ट करके देखते हैं कैसे लग रहा है। अच्छा लग रहा है। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। चाची लाई है हमारे लिए चाय, हम पियेंगे चाय, और चाय के साथ कुछ है कि नहीं? क्या ऐसे ही पी ले दादी? कुछ हुआ है तेरे घर में चाय के संग? है आए का सेम है सेम। ओह माय गॉड, तुझे बहुत सारे सेम पकाई है, और उत्ते में से इतो सो दी फोन कर। तुम्हारी चाची बना रही है आज बाहर वाले चूल्हे में खाना, क्योंकि क्या करें गैस बहुत हो गई है महंगी, 1180 की, तो आप अपने चूल्हे में बनाएंगी ना? 1200 की हो गई है, तो बेचारे बहुत है परेशान। तो लौकी की सब्जी बना रही है, बड़ी सोयाबीन, और ये हमारी दाढ़ी बैठी हुई है जिनका पारा कभी गर्म रहता है ज़्यादातर, है नी? अच्छा तो पारा कम करने का इलाज हो तो हमारी दाढ़ी को बता देना, ये कभी डॉक्टर साहब। वैसे ज़्यादा करने को तो नहीं पता, बीपी हाई करो तो पारा गर्म कर लो। सही बात, ठीक है। कम पारा कम करने को बताओ। तो चाची मेरी बना रही है सोयाबीन, और कहा जाए लौकी, लौकी। अच्छा तो भैया इनकी आवाज जल गई है, और ये बनाएंगी अब सब्जी, और हमारी दादी ही बैठी है, कुछ भी नहीं पसंद नहीं आया तो ये समझ लो बड़ 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 चालू कर देंगी। तभी पास में बैठी रहती है अपनी बहू के कि कुछ गलत सलत तो नहीं कर रही है, ज़्यादा तेल तो नहीं डाल रही है, ज़्यादा नमक नहीं डाल रही है, ज़्यादा हल्दी तो नहीं डाल रही है। तभी हमारी दादी कहीं देख रहे हैं, चूल्हे के पास बैठ लेती, चूल्हे के पास तो कहीं पास में बैठ लेंगी, कुछ गड़बड़ तो नहीं करी बहू? तभी दादी हम बैठी रहती देख रहे हैं, दादी कहीं बच्चा कहीं नहीं तो कहाँ बैठे हैं, बैठे आंगन उंगन बताया नहीं है भैया कहाँ बैठे। तो चाची परेशान है, गैस खत्म हो गई, आग उजल नहीं रही, बेचारी धुआं धुआं निकल रहा है, तो वो भी क्या करें ना, तो बहुत दिक्कत होती है। हमें तो बहुत गुस्सा आती है, हम लकड़ी उठा फेंक देते हैं आंगन में जब धुआं निकलता है, तो वो बना लकड़ी सब्जी दादी हमारी बैठी है, और वो दो पागल बालक टीवी देख रहे हैं, और हम तो खाएंगे आज मुर्गा दादी। हाँ हम मुर्गा खाएंगे आज को, सेम लेने गया है। दादी कह रही है मैं कैमरे में बहुत गोरी दिख रही हूँ, क्योंकि दादी को पता है मैं गोरी नहीं हूँ। दादी ये फोन है फिल्टर का कमाल है, तुझे पता है हम गोरे नहीं है भाई। आप लोग ये मैं सोचता हम गोरे हैं, हम गोरे हैं नहीं, हम सांवले कलर के हैं। तो दादी कह रही है ये कैमरे में इतनी गोरी क्यों आ रही है? क्या करें गोरी नहीं है, मैं आपको बता दें गोरी नहीं हूँ। हम बहुत गोरे लाग रहे हैं, तो गोरी लाग रही देख लगे गोरी, मैं देखाऊंगा गोरी जहाँ मैं और गोरी दिख रही है, और मैं वैसे तो पैकारो है, और बाजार में तो गोरो दिख रहा है, पता ना मजाक उड़ा रही है, बेइज्जती कर रही है, पता ना काम है वही कारी। दादी कह रही है पक्के रंग की जाम है, बहुत गोरी दिख रही, तो ये क्या करें, फोन ही ऐसा है आजकल, ऐसे ही फोन आ रहा है, लोग गोरा कर देते हैं, तभी तो फोन लेते हैं महंगी महंगी। गोरे उरे आए टीवी देखते हैं गोरी, चाची तुम्हारे गोरे ना आए, चाची भी गोरी भाई। चाची पका रही है सोयाबीन की सब्जी, सोयाबीन बरी हाँ बरी, तो भैया जो 2 घंटे बाद, तो 3 घंटे बाद आ पाओ ना, अब तक तो पक्का हम खा भी लेते। तो ये आया इतनी देर में, कतक ये बच्चे रहे इधर खेल, क्या नाम है, नाम तो बता दो, नाम तो क्या है, है? दीदी तो आंधी दीदी नहीं आ रही है, तुम बताओ अपना नाम बता दो। ओ क्या है इसका नाम, पार्थ, पार्थ है, और ये है ट्विंस बेबी, इसका नाम क्या है, छोटू, ट्विंस बेबी हमारा खाना हो गया, ये हम भी खा लेते हैं चिकन, क्या गए हैं और आज खाया चिकन, भूख तो इतनी लगी थी कि गचप, लेकिन थोड़ा सा खा पाई क्योंकि आज पानी पी पी के पेट भर गया था, तो अब लगा लेते हैं हम बिस्तर, क्योंकि यहाँ दच्चू और मैं सोते थे पहले, तो आज भैया आ गया है, तो भैया आ गया है तो कल उसका एग्जाम है, तो इस दिन के लिए आया, तो आज हमारे साथ सोने वाला है, तो लगा लेते हैं बिस्तर। तो तब तक के लिए अब आज हम अपना ब्लॉग समाप्त यहीं पर कर रही हूँ, कल मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्ते।